आज हमारी इफ की लास्ट क्लास है और इफ कंडीशन में हम स्लैब कैलकुलेशंस के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक सेल्स है, तो इससे पहले की एग्जांपल में हमने आपको बताया था कि अगर आपकी इंसेंटिव सेल्स हो तो एक फिक्स इंसेंटिव है कि भाई 540 वाला 741 1000 फिक्स। बट इस बार थोड़ा सा चेंज है हमारे क्वेश्चन नंबर 10 में। चेंज क्या है कि अगर 0 to 40 हुआ तो मैं 20 rupees पर यूनिट दूंगा, मतलब किसी ने अगर 35 सेल किया तो 35 मल्टीप्लाई बाई 20 होगा। अगर किसी ने 41 to 80 सेल किया तो 60 rupees पर यूनिट देना, मतलब कि अगर किसी ने 45 सेल किया तो 40 तो देना है 20 rupees के हिसाब से, और हमें प्लस करना है 5 मल्टीप्लाई बाई 60। जैसे मान लीजिए बिजली का बिल ही है तो आपका, अगर मान लीजिए कि स्लैब कहता है कि 200 यूनिट तक आपको देना है 2 रुपये पर यूनिट, और आपको 200 से 400 तक देना है 3 रुपये 15 पैसे पर यूनिट। तो अगर मान लीजिए अगर आपके 250 अगर से आई है बिजली का बिल आया है, यूनिट आया है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई बाय 3.15 नहीं होगा, क्योंकि कि आपका जो है पहले 200 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, उसके बाद आपका 50 मल्टीप्लाई बाई 3.15 होगा। तो सेम कैलकुलेशन यहां करनी है। कैलकुलेशन समझ में आ गया आप लोगों को कि क्या करना है? किसी को डाउट? तो मैं यहां पे इफ का फॉर्मूला लगाया। इफ हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने बोला कि अगर ए लेस दैन इक्वल टू 40 है तो इसमें हम मल्टीप्लाई करें 20 से, फिर अगेन कंडीशन हम देंगे और सिलेक्ट करेंगे कि अगर ए लेस दैन 80 है, लेस दैन इक्वल टू 80 मतलब कि 40 को पार करके आया है, तो इसको 40 मल्टीप्लाई बाई 20, इसका यहाँ पे रिजल्ट भी दे सकते हैं आप 800, फाइनली आप लिख भी सकते हैं 800, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्लस इसमें से हम माइनस करेंगे 40, क्योंकि 40 हम दे चुके हैं, और उसमें मल्टीप्लाई होगा हमारा 60। तो ये कैलकुलेशन समझ में आया आपको? उसके बाद यहां पे हम इफ देते हैं, इफ कंडीशंस, और सिलेक्ट करते हैं कि अगर लेस देन इक्वल टू 100 है तो पहले तो 800 मिलेगा मिलेगा प्लस, अब जो है 40 मल्टीप्लाई बाई 60 तो 2400 तो मिलेगा प्लस, इसमें से हम माइनस करेंगे 80 को, क्योंकि हम 80 दे चुके हैं, 40 एंड 40 80 दे चुके हैं, और जो रिजल्ट आएगा उसमें हम मल्टीप्लाई बाय 80 करें। फिर यहां पे कंडीशन लगेगा, और इस कंडीशन में होगा कि अगर ए ग्रेटर देन 100 हुआ तो इसमें 800 तो देना ही देना है प्लस 2400 देना है प्लस, अब 20 + 8 1600 देना है 80, मतलब कि इस स्लैब में 20 है ना, 20 को मल्टीप्लाई बाय 80 से 1600 होगा। आप सोच रहे हो कि मैंने कैलकुलेशन कैसे किया सर, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग का कैलकुलेटर नहीं मिलता था सर। इसलिए हम लोग की थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है थोड़ा स्ट्रांग है। हम लोग हजारों की कैलकुलेशन, लाखों तो नहीं करते लेकिन हजारों की कैलकुलेशन हम लोग बिना कैलकुलेटर के कर लेते हैं। तो इसमें से मल्टीप्लाई होगा 100 और 100 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया अगेन 100 से, और फिर हमारे ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं है, यस कर दीजिए तो ब्रैकेट अपने आप क्लोज हो जाएगा, ये हमारी कैलकुलेशन होगी। इसी तरह से आप बिजली का बिल, इसी तरीके से आप इनकम टैक्स, जैसे कि 3 लाख तक आपका फ्री है, 3 से 5 लाख तक का आपका 10% है, 5 लाख से लेके, तो अब तो चेंज हो गया, आई थिंक कुछ चेंज हुए हैं इसमें, तो इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ओके सर, अब चलिए अपडेट के बारे में हम बात करते हैं। नहीं, अपडेट के बाद क्वेश्चन में 11 रह गया है, चलिए क्वेश्चन में 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में 11 में क्या है कि एक कंपनी है
वो फ्लैट बना के बेचती है। तो कंपनी कहती है कि मेरे पास मैं हम लोग जो 5 फ्लोर तक का बुकिंग पहले ले लेते हैं और हम लोग बोलते हैं कि बुकिंग अमाउंट 10% होना चाहिए। जैसे कि MRP अगर 25 लाख की है तो आपका 2.5 लाख तक होना चाहिए और हम लोग 20 महीने का टाइम देते हैं। 20 महीने तक होता क्या है कि बुकिंग के लिए तो 2.5 लाख चाहिए, लेकिन कोई कोई कस्टमर बोलता है कि सर मेरे पास तो अभी 1.5 लाख है, आप 1.5 लाख लेके बुक कर लो, मैं 1 लाख कुछ दिनों में दे जाता हूँ। तो बिल्कुल बोलता है कि आप कुछ दिनों नहीं, आपको हम 20 महीने का टाइम देते हैं, 20 महीने से के भीतर आपको पेमेंट करना है। अगर 20 महीने जितना महीना आप लेट करोगे हम 17% ईयरली के हिसाब से उस रेस्ट अमाउंट का आपसे इंटरेस्ट लेंगे या फिर आपकी बुकिंग कैंसिल करेंगे। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जैसे कि 4th फ्लोर था तो 5 फ्लोर तक की बुकिंग लेता है, तो कंडीशन ये है कि 4th फ्लोर 5वें फ्लोर तक होना चाहिए, बुकिंग अमाउंट जो है इसकी 10% से कम होनी चाहिए और डेट जो डिपॉजिट डेट है वो आज के डेट से 20 महीने से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम इफ कंडीशन यहां पे लगाते हैं। इफ कंडीशन में हम बोलते हैं सबसे पहला कंडीशन कि ए एम देना पड़ेगा, इसमें माफ कीजिए एम 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 ए लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। सेकेंड ए जो है ए लेस देन होना चाहिए इसका 10% से, ठीक है। तीसरा कंडीशन है, अब इसके लिए मुझे क्या है ये निकालना है, मंथ निकालना है। तो मंथ के लिए आप दो तरीके अपनाए सकते हैं कि आप टुडे का फॉर्मूला लगाएं और टुडे में से माइनस इसको कर दें और फिर उसको डिवाइड माइनस कर दें और इसको ब्रैकेट में ले और इसको डिवाइड बाई 30 कर दें, क्योंकि ये दिन में आएगा तो 30 कर देंगे तो ये आपका ये डिफरेंस आ जाएगा। ये डिफरेंस जो है ग्रेटर देन 20 होना चाहिए। अगर ये सारे कंडीशन ट्रू हुए तो रिजल्ट हमें देना है। रिजल्ट क्या देना है, रिजल्ट ये देना है कि हमें कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल निकालना होगा तो इसका मल्टीप्लाई बाय 10% निकलेगा सबसे पहले। और माइनस C2 बुकिंग अमाउंट, इससे हमारा कैपिटल निकल जाएगा। अब हमें निकालना है कैपिटल के बाद रेट, तो रेट तो हमें पता ही है कि 17% ईयरली, तो 17% ईयरली डिवाइड बाय 12 हो जाएगा ताकि हमें मंथली निकल जाएगा। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करना है टाइम, तो टाइम के लिए हमें क्या करना है, हमें करना है टुडे माइनस, हालांकि इसके लिए डेटेटिव फॉर्मूला है वो भी लग सकता है, लेकिन यहां पे फिलहाल हम डेटेटिव नहीं लगा रहे। डिवाइड बाय 30, और इसमें से माइनस हो जाएगा 20। एक ब्रैकेट ओपन हुआ, एक यहाँ क्लोज हुआ, एक ब्रैकेट ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, एक ब्रैकेट और देना है, नहीं नहीं एक ब्रैकेट यहाँ देना है। ये हो गया सर, ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा रेट, ये हमारा टाइम। फिर यहाँ पे कॉमा दीजिए, नहीं कॉमा पे हमारा एक ब्रैकेट और जाएगा, ये एक कहीं पे ब्रैकेट छुटा हुआ है, रुक जाइए रुक जाइए। एंड क्लोज हो गया है, इसमें छुटा हुआ है, एक मिनट, ये तीन ब्रैकेट हमने किया, तीन ब्रैकेट में एक ब्रैकेट वो भी, एक ब्रैकेट यहां क्लोज है, एक ब्रैकेट यहां क्लोज है, एक ब्रैकेट नहीं होना चाहिए ना। देखिए वैल्यू फॉल्स पे आ गया ना, डाउट इसमें नमीन जी को डाउट इसमें
देखिए अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो इसको पहले क्या करें, ये कर लें डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है ना, जैसे कि इसका 25% 10% निकालें और फिर इसमें से माइनस कर दें इसको, राइट। यहाँ पे आप टुडे लगाएं और टुडे में से माइनस करें लेटेस्ट माइनस ए ओल्डेस्ट और फिर इसको डिवाइड कर दें किससे, 30 से। ये आपका मंथ आ गया और इस फिर इसमें से 20 यहाँ पे इसमें से माइनस करें 20 आ गया सर। अब यहाँ पे सिंगल कंडीशन, यहाँ पे सिंपल कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ ए जो है, इफ में एन लगाना पड़ेगा पहले, फिर एन लगाते हैं एन पहले एन, कि अगर ए जो है हमारा, अगर ए लेस देन इक्वल टू 5 है, सेकेंड ए जो है ग्रेटर देन 0 है, थर्ड ए भी हमारा ग्रेटर देन 0 है, राइट, ट्रू हुआ देन इफ कंडीशन दीजिए कि इफ अगर ट्रू है तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 17% या ब्रैकेट में कर सकते हैं 17 डिवाइड बाय 12 17% कीजिएगा, ठीक है, परसेंट डिवाइड बाय 12 टाइम निकल गया और सॉरी रेट निकल गया, ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा रिजल्ट हो गया, समझे। तो इसी को हमने यहां एक साथ कर दिया, सॉरी यहां पे सबसे पहले हमने कंडीशन चेक किया, कंडीशन में हमने सबसे हमें तो प्रिंसिपल निकालना होगा, तो प्रिंसिपल में हमने मल्टीप्लाई कर दिया तब दिस 10% निकाल लिया, फिर हमें टाइम निकालना था तो टाइम में टुडे माइनस बुकिंग डे डिवाइड बाई 30 करके हम मंथ निकाल लिए, फिर उसकी कंडीशन की क्या है ग्रेटर देन 30 है, अगर इसको अगर कंडीशन मैच होता है तो रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट के लिए प्रिंसिपल का काम हो गया, ये हमारा रेट हो गया, ये हमारा टाइम हो गया, ठीक है। नहीं क्योंकि तीन कंडीशन तीनों रिक्वायर है, एन के बगैर नहीं हो सकता, एन के बगैर करोगे ये तो बहुत लंबी हो जाएगा, सो मैं नहीं बोलूंगा एन के बगैर करो, ओके। अब चलिए इसमें कुछ और फॉर्मूले हैं जो कि हम जो अपडेटेड है, जैसे कि आपका एन पता ही फॉल्स तो जनरली फॉल्स होता है, ये बताया हमने, इफ एरर ही बताया कि अगर कोई फॉर्मूला एरर दे रहा है, जैसे मैंने इसको डिवाइड बाय जीरो कर दिया तो डीआईवी आ गया, मैं चाहता हूँ इसका डी आई वी की जगह पे जीरो आए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इफ कंडीशंस में इफ एरर लगाएंगे, अगर फॉर्मूला एरर दो तो इसके जगह पे जो मर्जी देना चाहते हो या ब्लैंक करना चाहते हो, जैसे फॉर्मा ओपन एंड क्लोज कर दो तो ब्लैंक हो जाएगा, तो अगर कोई फॉर्मूला एरर दे रहा है उस एरर को आपको ब्लैंक में कन्वर्ट करना है देन यूज इट, ओके, इफ एरर। और ये एरर को हम आगे भी बहुत एक्सप्लेन करेंगे, सो आप जान जाइए कि सिर्फ एरर को छुपाने के लिए काम करते हैं। इफ एन ने इफ एरर हर तरह के एरर को इग्नोर करवाता है, लेकिन इफ एन ने सिर्फ एन ने के एरर को इग्नोर कराता है, ओके। नॉट आपका नॉट मतलब कि निगेटिव कर देता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स तो ट्रू कर देता है, और बता ही दिया था मैंने एक सॉरी बता दिया था, और ट्रू जस्ट ट्रू होता है। इसमें दो फॉर्मूला है IFS और स्विच, अब ये दोनों फॉर्मूला सिर्फ 2019 या ऑफिस 365 में पाए जाते हैं, ठीक है। तो IFS क्या करता है, ये मल्टीपल लॉजिक देता है, जैसे हमने इफ्स दिया, सॉरी IFS दिया इफ्स, और हमने कंडीशन दिया टेस्ट दिया, हमने टेस्ट दिया कि अगर ए ग्रेटर देन 500 है तो वैल्यू ट्रू हो तो क्या होना चाहिए, तो हमने दिया कि यहाँ पे 50 होना, मान लीजिए इसमें काम करता हूँ कि एक मिनट, अगर ये 11 हो तो मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट दिल्ली आए, तो यहाँ पे हम दिल्ली दे देते हैं दिल्ली, राइट। फिर लॉजिक बोलता है कि अगर ये इक्वल टू 120 हो तो नोएडा है, तो हमें बार बार इफ लगाने की जरूरत नहीं है, और कितना काम करता है, अगर ये मान लीजिए 1 to 4 है तो जीएन आना चाहिए,
कुछ नहीं आया तो एन ए आया दिल्ली जी हैं, मतलब कि यहाँ जो अभी अभी हमने इंसेंटिव के लिए आपको बताया था यहाँ, हाँ नेट, हाँ जहाँ जहाँ हमने यूज किया देखिए यहाँ पे यूज किया था, तो जो बार बार इफ लगाया तो बार बार इफ लगाने की जरूरत नहीं है, पर इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास वो होना चाहिए। दूसरा आता है स्विच, स्विच क्या करता है देखिए, स्विच स्विच फॉर्मूला है। अब स्विच फॉर्मूला में क्या एक्सप्रेशन, जैसे कि यहां हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसमें हमने बोला कि अगर ए वन हो, वन वन हो तो यहां पे दे लिया, बट इसमें क्या है कि आप कंडीशन लगा सकते कि ग्रेटर देन वन हो फिर हंड्रेड हो तो यहाँ पे सेंट्रल आना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये डबल फाइव हो तो यहाँ पे आना चाहिए ईस्ट, अगर ये ग्रेटर देन अगर ये मतलब 112 आना चाहिए तो आना चाहिए वेस्ट, मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ, कॉमा दे दिया था गलत था, कॉमा नहीं होना चाहिए था, राइट वेस्ट आ रहा है, 100 किया फिर भी वेस्ट, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। अब आया सर, ठीक है, इसमें आप जो है लॉजिकल ऑपरेटर नहीं दे सकते, एग्जैक्ट मैच करता है होना चाहिए, लॉजिकल ऑपरेटर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें लॉजिकल ऑपरेटर नहीं चाहिए, स्विच में आप कई सारे कंडीशन दे सकते हो बट इसमें लॉजिकल ऑपरेटर एक्सेप्ट नहीं करता है। और इसमें खासियत यह है कि बार बार आपको सेल रेफरेंस, इसमें एक दिक्कत क्या है कि आपको सिर्फ एक ही सेल रेफरेंस में वर्क करता है, अगर डिफरेंट डिफरेंट सेल रेफरेंस हो तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है सर। देखिए IFS आने के बाद इसका यूज नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कि एक ही के ऊपर कई सारे कंडीशंस हैं तो यूज करने से आपका फॉर्मूला का लेंथ कम सकता है। इसमें देखिए लेंथ आपका ज्यादा है, क्यों, क्योंकि आपको हर बार इसमें कंडीशन देना A7 दे रहे हो ना। अब मान लीजिए A7 की जगह पे कोई बड़ा सा फॉर्मूला है तो वो बार बार आपको फॉर्मूला देना पड़ेगा क्या, जैसे कि हमने क्वेश्चन में 11 में जैसे मान लीजिए डेज की कैलकुलेशन किया था, 10 जगह मैच करना है, 10 जगह से मैच करना है तो 10 बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना, तो ये यहां पे आपको एक कम कर देता है। नहीं IFS में आपको लिखना पड़ेगा ना, A7 देना पड़ रहा है ना, बट इसमें नहीं देना पड़ रहा है, हमने ये दे दिया बस, कंडीशन टेस्ट दे दिया, ठीक है। बट इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है, देखिए 256, ठीक है, और इसमें आपका लॉजिकल ऑपरेटर लगा सकते, इसमें लॉजिकल ऑपरेटर नहीं लगा सकते, ठीक है सर।